फाइनली सैमसंग ने अपना दो न्यू स्मार्टफोन्स इंडिया में आज लॉन्च कर चुका है, जिसमें से सैमसंग M10s एक लो बजट सेंट्रिक स्मार्टफोन है जहां मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड डुअल रियर कैमरा सेटअप। लेकिन जिस प्राइस रेंज में ये फोन लॉन्च हुआ है उसी प्राइस रेंज में हमें रियलमी 3i भी देखने को मिल जाता है जो काफी कमाल का स्मार्टफोन है। इसलिए आज इस वीडियो पे मैं इन दोनों फोन की फुल स्पेसिफिकेशन एंड प्राइसिंग वाइज एक इनडेप्थ कंपैरिजन करने वाला हूँ एंड बताने वाला हूँ आप लिए दोनों से कौन सा स्मार्टफोन लेना बेस्ट रहेगा। जानने के लिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखना एंड ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Realme 3i एंड Samsung M10s दोनों फोन्स में आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बैक डिजाइन मिलेगा, लेकिन Realme 3i में आपको ग्रेडियंट कलर्स डायमंड का डिजाइन मिलता है जो देखने में काफी अट्रैक्टिव है। M10s एंड Realme 3i दोनों फोन्स में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप एंड रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। Realme 3i में 6.2 इंच का 19.5:9 HD+ IPS डिस्प्ले मिलता है जो Corning Gorilla Glass 3 से प्रोटेक्टेड है। M10 इसमें 6.4 इंच का 19.5:9 HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, इसलिए डिस्प्ले क्लैरिटी के मामले में यहाँ पर M10 विनर है। Realme 3i में MediaTek Helio P60 ऑक्टाकोर प्रोसेसर मिलता है जो 12 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, जहाँ फर्स्ट चार कोर मिलता है 2.0 GHz Cortex A73 बेस्ड एंड बाकी चार कोर मिलता है 2.0 GHz Cortex A53 बेस्ड। GPU मिलता है Mali G72 MP3 एंड M10s में मिलेगा Exynos 7885 ऑक्टाकोर प्रोसेसर जो 14 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर है, जहाँ फर्स्ट कोर मिलता है 1.8 GHz Cortex A73 बेस्ड एंड बाकी 6 कोर मिलता है 1.6 GHz Cortex A53 बेस्ड। GPU मिलता है Mali G71 MP2। डे टू डे परफॉर्मेंस एंड गेमिंग के मामले में यहाँ पर आपको बेटर रिजल्ट Realme 3i पे मिलेगा। Realme 3i पे 3 एंड 4 GB दो रैम वेरिएंट मिलता है एंड स्टोरेज मिलेगा अप टू 64 GB एंड M10 इसमें आपको 3 GB रैम एंड 32 GB इनबिल्ट स्टोरेज मिलता है। बाकी दोनों फोन्स में ही आपको 12 वोल्टी फेस अनलॉक एंड डेडिकेटेड एसडी का स्लॉट का सपोर्ट मिल जाएगा एंड ये दोनों फोन एंड्रॉइड 9.0 पाई आउट ऑफ द बॉक्स आएगा, लेकिन Realme 3i पे मिलेगा कलरवाइज 6.0 का सपोर्ट एंड M10s पे मिलेगा One UI का सपोर्ट। Realme 3i में आपको 13 MP का मेन कैमरा सेंसर एंड 2 MP का एक डेप्थ सेंसर मिलता है एंड M10s में आपको 13 MP का मेन कैमरा सेंसर एंड 5 MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। रियर कैमरा क्वालिटी के मामले में दोनों फोन्स में आपको ज़्यादा कुछ ह्यूज डिफरेंस नहीं मिलेगा। Realme 3i में आपको 13 MP का फ्रंट कैमरा एंड M10s में आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा। Realme 3i में आपको 4230mAh का बैटरी बैकअप एंड M10s में आपको 4000mAh का बैटरी बैकअप मिलेगा जो 15W फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। Realme 3i 3GB रैम वेरिएंट के लिए आपको पे करना होगा 799 एंड 4GB रैम वेरिएंट के लिए 999 एंड Samsung M10s का प्राइसिंग रखा गया है 899। आपको अगर ब्रांड वैल्यू सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड अच्छा आफ्टर सेल सर्विस चाहिए तो आपके लिए Samsung M10s बेस्ट रहेगा एंड आपको अगर अच्छा परफॉर्मेंस अच्छा कैमरा एंड डिजाइन चाहिए तो आपके लिए Realme 3i बेस्ट रहेगा एंड यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन भी रहेगा Realme 3i, लेकिन आपके लिए अगर ब्रांड वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप Samsung M10s ले सकते हो। तो गाइस अभी के लिए इतना ही। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना एंड साथ में ये भी बताना इन दोनों फोन से आप कौन सा फोन लेना चाहोगे। प्लस इस वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ में उस बेल आइकन को भी दबा देना जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।